Shut up and sit down. परोपकार पर निबंध प्रस्तावना। परोपकार शब्द पर और उपकार के मेल से बना है, जिसका अर्थ है दूसरों की भलाई, अर्थात दूसरों की भलाई के लिए तन मन और धन से किए गए सभी कार्य परोपकार कहलाते हैं। परोपकार के समान न कोई धर्म है और न दूसरों को सताने जैसा कोई पाप। मनुष्य का सारा जीवन प्रेम और सहयोग पर आधारित है। इसी सहयोग के मूल में है परोपकार, जिससे उपकारी और उपकृत दोनों को खुशी होती है। परोपकार मानव धर्म। परोपकार मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। मनुष्य का धर्म है कि वह जैसे भी हो दूसरे की मदद करे। यहीं से परोपकार की शुरुआत हो जाती है। यदि मनुष्य परोपकार नहीं करता है तो उसमें और पशु में क्या अंतर रह जाता है? कवि मैथिली शरण गुप्त ने ठीक ही कहा है, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। परोपकारी प्रकृति। हम ध्यान से देखें तो प्रकृति का कण कण परोपकार में लीन दिखता है। सूर्य अपना प्रकाश धरती का अंधेरा भगाने के लिए करता है और गर्मी से शीत हर लेता है ताकि जीव आनंद पूर्वक रह सके। चांद अपनी शीतलता से मन को शांति देता है। बादल दूसरों की भलाई के लिए बरसकर अपना अस्तित्व नष्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार नदी तालाब अपना पानी दूसरों के लिए त्याग देते हैं। पेड़ दूसरों की शुद्ध शांति के लिए ही फल धारण करते हैं। प्रकृति के अभिन्न अंग फूल अपनी सुगंध दूसरों को बांटते रहते हैं। प्रकृति के इस कार्य से प्रेरित होने में संत और सज्जन कहाँ पीछे रहने वाले, वे भी दूसरों की भलाई के लिए धन एकत्र करते हैं। कवि रहीम ने ठीक ही कहा है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर करत न पान, कह रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। परोपकार के विविध रूप। परोपकार के नाना रूप साधन एवं तरीके हैं। मनुष्य वाणी मन और कर्म से परोपकार कर सकता है, पर सबसे अच्छा तरीका कर्म द्वारा दूसरों की भलाई करना है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष लाभ व्यक्ति को मिलता है। वाणी द्वारा दूसरों की भलाई दूसरों का मनोबल बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। परोपकार के अंतर्गत हम असहाय की धन से मदद करके, रोगी की सेवा करके, अपाहिज को उसके गंतव्य तक पहुंचाने जैसे छोटे छोटे कार्यों द्वारा कर सकते हैं। परोपकार के विविध उदाहरण। भारत का इतिहास परोपकारी व्यक्तियों के कार्यों से भरा पड़ा है। यहाँ लोगों ने मानवता की भलाई के लिए न अपने धन को धन समझा और न तन को तन। आवश्यकता पड़ने पर तन मन और धन से दूसरों की भलाई की। भामाशाह ने अपनी जीवन भर की संचित कमाई राणा प्रताप के चरणों में रख दिया। महर्षि दधीचि ने देवताओं को संभावित पराजय से बचाने के लिए और मानवता के कल्याण हेतु अपनी हड्डियों तक का दान दे दिया। कर्ण ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए कवच कुंडल और सोने के दांत तक का दान दे दिए। राम कृष्ण ईसा मसीह मदर टेरेसा सुकरात महात्मा गांधी आदि ने अपना जीवन ही परोपकार में लगा दिया। परोपकार के लिए सुकरात ने जहर का प्याला पिया तो गौतम बुद्ध राज्य का सुख छोड़कर सन्यासी बन गए। वर्तमान स्थिति। मनुष्य अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताएं लोभ एवं स्वार्थ की प्रवृत्ति के कारण इतना उलझा हुआ है कि परोपकार जैसे कार्य पीछे छूट गए हैं। लोगों में परोपकारी भावना का अभाव दिखता है। आज मनुष्य को अधिकाधिक धन संचय करने की पड़ी है, इस कारण वह पशुवत अपने लिए ही जी रहा है और मर रहा है। दूसरों की भलाई करना किताबों तक सीमित रह गया है। उपसंहार। मानव जीवन को तभी सार्थक कहा जा सकता है जब वह परोपकार करे। इसके लिए छोटे से छोटे कार्य से शुरुआत की जा सकती है। परोपकार करने से खुद को आत्मिक शांति तो मिलती है, वहीं दूसरे को मदद एवं खुशी भी मिलती है। मनुष्य को परोपकारी वृत्ति का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए।